हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक 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 क्वेश्चंस को किस तरीके से बिल्ड करते हुए एडवांस तक पहुंच जाते हैं हम, वो आपको समझ में आएगा ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स। भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो भी आप पावर निकाल सकते हो बिकॉज इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम हर चीज में स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। जेईई एडवांस में बहुत पहले पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले पूछा जा चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बच्चों आज का लेक्चर है पावर और ये हमारा थर्ड लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का, जिसमें हम पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स बात कर चुके हैं, हम काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर चुके हैं। और इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया इस सीरीज के अंदर कि ये सीरीज 2026 वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की तरफ जा रहे हैं, जीरो से एडवांस तक की ओर जा रहे हैं। और जिन बच्चों को भी लगता है कि फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, प्लीज इन वीडियोस को बहुत सीरियसली अंत तक देखना, एक एक जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं उसको अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द फंडामेंटल। मतलब जो आपके वीक फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी वजह से फिजिक्स कई बार वीक रह जाता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि बेसिक 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 क्वेश्चंस को किस तरीके से बिल्ड करते हुए एडवांस तक पहुंच जाते हैं हम, वो आपको समझ में आएगा ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से। पहला कॉन्सेप्ट पावर का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, विच टॉक्स अबाउट एवरेज पावर। और एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट टाइम, जैसे यहां पे लिखा हुआ है वर्क डन पर यूनिट टाइम एवरेज पावर होता है। अब वर्क डन आप पहले सीख चुके हो तो इस चैप्टर में क्या करना है, केयरफुली अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसको पहले ब्रेक डाउन करना है कि वर्क डन टोटल वर्क डन कितना होता है और फिर पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पहला एग्जाम्पल बोलता है कि एक पंप है जो पानी को नीचे से निकाल रहा है और फिर उसको थ्रो भी कर रहा है। तो आपसे पूछा गया, जनरली एग्जाम में आपसे सी पार्ट पूछा जाएगा कि कितना पावर है उस पंप का, टोटल पावर निकालो। बट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया। सबसे पहला पार्ट दिया कि भाई जब आप निकालोगे पानी को तो कितना वर्क डन करोगे वो आपको समझ में आना चाहिए, जब आप थ्रो करोगे तो कितना वर्क डन चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए, जब टोटल वर्क डन आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की वजह से है तो आप पावर आसानी से निकाल सकते हो। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इस चीज को। सबसे पहला पार्ट बोलता है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर, वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर कितना हो जाएगा भाई, MgH। ये तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा MgH। एंड यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, मास दिया हुआ है 10^3 इंटू जी दिया हुआ है 10 और H दिया हुआ है H 20 मीटर का कुआं है, वहां से आप पानी को खींच रहे हो ऊपर की ओर, एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 200 किलो, क्योंकि 10^3 में मैंने रहने दिया किलो जूल्स। ठीक है, ये आ गया पहला स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि अब वो खींच तो लिया, अब उसको थ्रो भी कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो यहां पे जो जिस स्पीड से फेंक रहा है वो उसका वर्क डन हो जाएगा। सो हाउ मच वर्क इज डन इन गिविंग इट अ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज आप खींच रहे हो तो कुछ वर्क कर रहे हो और उसके बाद फिर उसको थ्रो कर रहे हो तो कुछ वर्क कर रहे हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कितना हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, क्योंकि उसको स्पीड जो दे रहे हैं वो हम नीचे से धीरे 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 खींच के लेके आ रहे हैं और उसके बाद फिर एकदम से यहां पे स्पीड दे रहे हैं इसको, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम, एम कितना है 10^3 इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो वी स्क्वायर हो जाएगा 400 एंड ये भी आपके पास 200 किलो जूल्स आ गया। तो ये समझ में आया आपको कि आप पानी को नीचे धीरे 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 खींच रहे हो, जब ऊपर आ गया तो उसको थ्रो कर रहे हो, उसमें भी आपको कुछ एनर्जी लगेगी एंड देयरफॉर खींचने में एनर्जी लगेगी और थ्रो करने में एनर्जी लगेगी, तो टोटल वर्क डन इन दोनों का सम हो जाएगा। एंड तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा वर्क टोटल इज इक्वल टू पहला वर्क डन और दूसरा वर्क डन एंड दिस विल बी इक्वल टू 400 किलो जूल्स। चौथा, कितना पावर चाहिए, हम हॉर्स पावर आप खुद से निकाल लेना, बट कितना पावर चाहिए इसको, पावर इज इक्वल टू हमने लिखाया पावर इज इक्वल टू वर्क टोटल बाय टाइम टेकन एंड देयरफॉर दिस पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारे पास 400 किलो जूल्स हो गया बाय टाइम इस एक मिनट में कर रहा है, तो एक मिनट का मतलब हो गया 60 seconds एंड देयरफॉर दिस मच, जब हम इसकी बात करते हैं तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों किलो, ये वर्क का एसआई यूनिट है टाइम हो गया, तो वर्क डन बाय टाइम एंड देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ पावर इज यहां पे एसआई यूनिट जो हो गया वो हो गया वैसे इसका वॉट होता है एंड यहां पे किलो वॉट, क्योंकि किलो जूल साथ हम किलो वॉट की बात कर रहे हैं, सो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 watt। ठीक है, 1 watt इस तरीके से लिखा जाता है या फिर 1 W आप लिख सकते हो, और
वन हॉर्स पावर, कई बार हॉर्स पावर में यूज किया जाता है पावर को, तो वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. तो इसीलिए वन वॉट इज इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर, इतना हो जाएगा. और इतना किलोवाट, विच मींस अगर मुझे इसको आंसर को हॉर्स पावर में लिखना है तो आप कैलकुलेट करके होमवर्क कर सकते हो. ये हो जाएगा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1/746, दिस मच हॉर्स पावर. ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, वैसे कोशिश करना खुद से कैलकुलेट करो विदाउट कैलकुलेटर. लगभग आप देखोगे तो 6/7 = 42 आएगा. ऊपर कुछ 40,000 है, नीचे 4,000 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली 40 डिवाइडेड बाय 42 तो कितना हो जाएगा, 20/21 आ जाएगा, और वो अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आ जाएगा. तो 9 हॉर्स पावर के आसपास आना चाहिए इसका आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना. तो दिस इज हाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मेंटल कैलकुलेशन. तो बच्चों ये एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली जेई मेन में जहां स्पीड की भी जरूरत होती है. तो आप मेंटल कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर का यूज करोगे, तो आपका दिमाग जो है उस पर एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा, उसका एक कैदी हो जाएगा. बट आप उसे बाहर निकलो और खुद से मेंटल कैलकुलेशन किया करो इन सारे क्वेश्चंस में. चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि नेक्स्ट सवाल के बेसिस पे ही जेई मेन में एक सवाल आया था कि एक मोटर जो है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि केपेबल ऑफ रेजिंग 300 वाटर इन 5 मिनट फ्रॉम अ वेल ऑफ 100 मीटर डीप, फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द मोटर. आप आसानी से निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल के डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास एवरेज पावर आ जाएगा. अब इसके बेसिस पे जेई मेन में जो सवाल आया था वो ये था, विच वॉज इंटीजर टाइप क्वेश्चन. वो बोलता है कि एक पंप है, ठीक है, रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ टू मोटर्स, दो मोटर दिया हुआ है. एक मोटर 300 केजी 5 मिनट में निकालता है और एक 50 केजी 2 मिनट में निकालता है और दोनों की डेप्थ सेम है. तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है कि वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा. यहां पे दिया हुआ था कि पावर ये है, रेशियो ऑफ पावर इज √3√x/√x+1, जबरदस्ती ये बना के दिया है क्वेश्चन, ठीक है. तो हम निकाल लेंगे P1 by P2 इज वर्क डन पहले वाले में M1GH1/T1 मल्टीप्लाइड बाई P2 कितना हो जाएगा M2GH2 × T2. अब ये H क्योंकि सेम कुएं से निकाल रहे हो आप, जी और जी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर M1/T1/M2/T2 बस ये आ जाएगा पावर का रेशियो. M1 कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 300 कितने देर में, 5 मिनट में, तो मिनट में रहने दे सकते हैं क्योंकि दोनों T1/T2 तो दोनों को कन्वर्ट करने की मुझे टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे 5 मिनट में रहने दे सकता हूँ, 5 कन्वर्ट भी कर दोगे तो इंटू 60 करोगे तो यहाँ भी इंटू 60 करोगे और दोनों कैंसिल ही हो जाएगा. इंटू यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 2 अपॉन यहाँ पे वेट दिया हुआ है 50. नाउ ये आसानी से आ गया हमारे पास 50, ये हो गया 6, तो ये 12/5 आ गया हमारे पास. और ये दिया हुआ है √x/√x+1. 3 से ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया. अब सॉल्व करके हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे. उधर ले गए तो 4√x+4 इज इक्वल टू √x/5. ये चीज हम इधर ले जाएंगे एंड देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा √x = 4 एंड x = 2. दिस इज योर आंसर. तो आप देखो बच्चों, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी टाइप का सवाल सॉल्व कर सकते हो. ये जेई मेन का सवाल है 2023 का, कोई इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं था. जस्ट रेशियो ऑफ पावर दिया हुआ था पहले वाले क्वेश्चंस में, हमने केवल एक मोटर के द्वारा किया था, यहाँ दो मोटर दे दिया और आसान कर दिया क्योंकि आपको एच की जरूरत ही नहीं है, सब कैंसिल हो जाता है. M1/T1 = M2/T2, दोनों पावर का रेशियो जो है M1/T1/M2/T2. अब सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आता है पावर में वो है इंस्टेंटेनियस पावर. अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बच्चों, हमने जैसे कैलकुलेशन पढ़ा है एवरेज इज ∆/∆, इंस्टेंटेनियस इज D/D. तो इंस्टेंटेनियस पावर इज dW/dt. और अगर हम देखें तो dW/dt क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डी, वर्क डन क्या होता है F.S, यही होता है, अपॉन dt. एंड देयरफॉर इसे एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट में भी करेंगे जिसमें कि अगर फोर्स चेंज हो रहा है, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एंड देयरफॉर F.ds/dt एंड दिस विल बी इक्वल टू F which is a vector quantity dot velocity which is a vector quantity and therefore power is a scalar quantity. तो आप देखो हम summarize करें अगर power को, तो power क्या है, scalar quantity है जिसका SI unit क्या है, 1 watt. and आपने देखा कि किस तरीके से horse power और watt भी आपस में related है.
सो पावर इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स. अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब है एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. तो अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो फोर्स कॉन्स्टेंट है एंड देयरफॉर हम इंस्टेंटेनियस पावर को एफ डॉट वी कर सकते हैं. और इसके बहुत सारे केसेस हैं जिसपे जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. तो चलो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. आपको सबसे पहले दिया हुआ है और ये जेई एडवांस में शायद आया था, ये पता नहीं. मतलब अ बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली. तो पहले दिया हुआ है कि बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, टू वी वन इन टाइम टी वन. अच्छा, ये जेई मेन में बहुत पहले शुरुआती दिनों में जेई मेन में आया था. सो इट कैन अगेन रिपीट. सो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी वन बाई टी वन. यही हो गया बिकॉज एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है जीरो से. और ये हम फॉर्मुला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी. और यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया, वी वन बाई टी वन. तो हमारा पहला स्टेप हो गया, जो दिया हुआ है उसको हम वैसे के वैसा लिखता चले जाते हैं. तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या पूछता है, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड एट टाइम टी. मतलब मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए. तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, हम लिख लेते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर होता है एफ डॉट वी. मुझे ये चाहिए कितने में, टी टाइम में. और फोर्स मुझे चाहिए, तो फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स आ जाएगा एम इंटू ए इंटू वी. और वी क्या होता है, वी होता है यू प्लस ए इंटू टी. और ए हमें पता है वी वन बाई टी वन है और यू जीरो है. तो हमारे पास यहां से इक्वेशन आ जाएगा एम वी वन बाई टी वन मल्टीप्लाइड बाई, ये जीरो है और ए इज वी वन बाई टी वन इंटू टाइम टी. इतने देर में पूछा गया है टी वन टी टाइम में. एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो एक बार एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, क्योंकि दिया हुआ है कंडीशन, पहला कंडीशन दिया हुआ था टू फाइंड एक्सेलरेशन. ये जो कंडीशन दिया हुआ है इससे आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन निकाल रहे हो. एक बार एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप उसको इस फॉर्मूले में डालोगे एंड यू विल गेट द रिलेशन. एंड नाउ बच्चों, इसके बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं. पावर किसके प्रोपोर्शनल है, बहुत सारा उसमें ऑप्शन दिया रह सकता है. एंड देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर जो हो गया ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी वन स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर इंटू टाइम टी. ये आ जाएगा यहां से. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, अगर ए दिया रहता तो ये आ जाता एम ए स्क्वायर इंटू टाइम टी. अगर वी वन बाई टी वन की जगह ए दिया रहता तो हमारे इस टर्म्स में भी आंसर लिखा जा सकता था. एंड देयरफॉर ईदर ऑफ द टू कैन बी इन द ऑप्शन. अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए तो इसके फॉर्म में आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह वी वन टी वन दिया हुआ है तो इसके फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाएगा. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे. अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये जेई मेन में आया था और जेई मेन में 2023 में आया था कि भाई एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और लिफ्ट का वेट दिया हुआ है और उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं उसका वेट दिया हुआ है. सो नाउ फर्स्ट पार्ट, हम जब भी कुछ इस तरीके का दिया हुआ है तो लिफ्ट और इसका वेट, टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया 800 प्लस 600 1400 इंटू जी. ये एम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास इंटू जी दिया हुआ है. तो दिस इज वेट. ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है. एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन. तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गलत किया था इस क्वेश्चन को, उन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स भूल गए या वेट भूल गए या फिर इसको 1400 कर दिया उसको भी 2000 कर दिया, यहां पे गलती कर दी. बिकॉज 1400 मास दिया हुआ है, वेट नहीं दिया हुआ है. तो एक चीज जो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, यहां पे मास दिया हुआ था और यहां पे वेट दिया हुआ था, न्यूटन के फॉर्म में दिया हुआ था. एंड देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज 2000 न्यूटन. यहां पे जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. अब आपसे पूछा हुआ है कि देन मैक्सिमम पावर यूज बाय द मोटर. तो मैं यहां पे स्टेप्स लिखूंगा, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय एमजी इज इक्वल टू, इसीलिए अलग अलग करना जरूरी होता है, आप एक साथ भी कर सकते हैं. वर्क डन बाय एमजी इज इक्वल टू, चूंकि नीचे ही लग रहा है तो वर्क डन बाय एमजी इज 14, अभी प्लस माइनस की बात नहीं करें क्योंकि दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहा है. 1400 इंटू 10 इंटू जी इन एच दिया हुआ है, हमें शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एम इंटू जी इंटू ये फोर्स आ गया. चलो सॉरी, हमें कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फोर्स निकालना है. तो हम सिंपली यहां पे करेंगे एम जी इज इक्वल टू दिस मच एंड देयरफॉर इट इज 14,000 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 2000 न्यूटन एंड एफ टोटल इज इक्वल टू 16,000 न्यूटन. तो ये आ गया टोटल फोर्स, टोटल फोर्स इन दोनों का सम हो गया. अगर टोटल फोर्स आ गया तो अब आपको पावर, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, पावर यूज बाय द मोटर.
is tisra step is power and power is total force into velocity kyunki constant velocity se ja raha hai. So therefore power is equal to ft into v and ft into v jo ho jayega wo hum yahan se nikal lenge 16000 multiplied by v which is equal to 48000 aapne pucha hua hai kilowatt mein and therefore this much watt aa jayega power aur this is equal to 48 kilowatt. तो आप देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल था. टोटल फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर. यहां पे टोटल फोर्स निकालना था. बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे एंड वन ऑफ द रीजन वाज नॉट डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम बट जल्दीबाजी करने में. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. आप लोग अगर एक क्वेश्चन जानते हो और क्वेश्चन जानते हुए गलती करके आ रहे हो तो उसको मैं ब्लंडर बोलता हूं. ब्लंडर क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो चीज जो आप पता है वो एग्जाम में गलती नहीं कर सकते हो क्योंकि एक क्वेश्चन की गलती आपके 3 से 4 हजार रैंक ऐसे का ऐसा भगा देता है. तो आप स्पेशली आप जिस जोन में फंसे हुए हो उस जोन में काफी मार्क्स जो है आसपास होते हैं. एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और जैसे ही आपने ये गलती करी आपने 5 नंबर गवा दिए स्पेशली उन क्वेश्चन में जो आपको 100% आता था. तो मल्टीपल टाइम्स चेक करो क्वेश्चन पूछो. आपने आपसे वेट दिया है मास दिया है फोर्स दिया है यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है तो बेसिकली ये इसीलिए अलग अलग लिखने की कोशिश करो और टोटल इस तरीके से अप्रोच करोगे. कोई जल्दीबाजी करके आपका टाइम नहीं बचाओगे. अब नंबर गवा लिया ना तो 4 से 5 हजार रैंक गई आपकी तो वो नहीं करना है एग्जाम के अंदर. ठीक है चलो चलो अगले सवाल पे चलते हैं एंड विल सी. काफी दुख हुआ था काफी अच्छे अच्छे बच्चों के नंबर गवाए थे उसमें. तो ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इफेक्टिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पावर डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स. अब यहाँ पे केवल पुलिंग फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड पूछा गया है. तो अगर आपसे एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स ये जीरो नहीं है 10 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट सो एक्ट दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है. तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है किसके द्वारा पुलिंग फोर्स के द्वारा. तो हम पुलिंग फोर्स निकालेंगे कि पुलिंग फोर्स होता कितना है इस केस में क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि भाई एक स्मूथ इंक्लाइन पे एक ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है. एक स्मूथ इंक्लाइन पे एक ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है मान लो एफ फोर्स से खींचा जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा mg sin थीटा और ये एक्सेलरेट कर रहा है a से विच इज 1 m/s². तो कई बच्चे क्या करते हैं एक्सेलरेशन m into a कर लेते हैं और m into a उससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा हुआ है इस फोर्स के द्वारा कितना ज्यादा पावर डिलीवर हो रहा है. पावर डिलीवर बाय द पुलिंग फोर्स एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. नाउ अगर मैं ma निकालता केवल तो ma की वैल्यू कितनी है मास है 5 और एक्सेलरेशन है 1 and therefore ये आ गया 5 newton. So ma is 5 newton. But आपसे नहीं पूछा है कि net work done कितना हो रहा है. आपसे केवल पूछा है power delivered by the pulling force. And therefore अगर मैं इसका equation लिखूं न्यूटन अंकल के द्वारा तो न्यूटन अंकल क्या बोलते हैं फोर्स माइनस mg sin थीटा. और अगर ये नहीं पता है तो आप मेरा न्यूटन लॉ का इक्वेशन चैप्टर देख लेना उसका वीडियो. एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड therefore फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस एम इंटू ए. ये कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50 into sin 30 हाफ होता है तो 25 हो जाएगा 25 + 5 = 30 newton. तो फोर्स आ गया 30 newton. मतलब ये 30 newton का फोर्स है. इसके द्वारा कितना पावर डिलीवर हो रहा है वो निकालना है. कई बच्चे केवल 5 newton के द्वारा पावर डिलीवर निकाल के लिए आए थे एंड देयरफॉर वो गलत हो गए थे. तो पुलिंग फोर्स हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल टू 30 newton. सेकेंड इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी. मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए उस टाइम पे टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे. एक्सेलरेशन आपको पता है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो. सो वेलोसिटी बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा थर्ड स्टेप बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू जीरो है ए दिया हुआ है 1 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स. जो भी टाइम दिया हुआ 10 है 20 है 30 है जो भी है. सो ये आ गया 10 m/s. तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास कट से आंसर आ जाएगा. फोर्स मैंने निकाल लिया 30 newton. वेलोसिटी मैंने निकाल लिया 10 एंड देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई 300 एंड पावर इज 300 watt. ठीक है अब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया. तो स्टेप बाय स्टेप पुलिंग फोर्स पूछा हुआ है किसके द्वारा पुलिंग फोर्स. तो पहले पुलिंग फोर्स निकालेंगे फिर पूछा हुआ है उस टाइम पे एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है तो एफ डॉट वी होता है. इसमें क्या नहीं पता है मुझे वेलोसिटी नहीं पता है
एट टाइम टी, तो फिर मैं थर्ड पे जाऊंगा, इससे मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, आंसर आएगा और फिर मैं यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो ऐसे हमें अप्रोच करना चाहिए फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को, कि जो भी पूछा गया है, जो भी दिया गया है, पुलिंग फोर्स एट टाइम टी लिख लिया, पुलिंग फोर्स नहीं पता है निकाल लिया, पावर इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है इसमें क्या नहीं पता है, वी नहीं पता है तो वी निकाल लेंगे। तो ऐसे अप्रोच करोगे तो कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे और खट से चार नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे। नहीं तो मतलब ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, इसमें तो पक्का ही नंबर आने चाहिए आपके, ठीक है। पावर में कोई भी बच्चा गलती नहीं करके आएगा, और इनफैक्ट जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं उसमें अगर गलती करके आ रहे हो तो फिर बेवकूफी है, क्योंकि आप इन लेक्चर्स को सीरियसली नहीं देख रहे हो, या तो ये सोच रहे हो बहुत इजी है, या सोच रहे हो अभी काम का नहीं है। अब अगर आप 2025 वाले बच्चे हो तो आपको इसको हाई स्पीड मतलब फास्ट स्पीड पे 1.25 1.5 के स्पीड पे आप देख सकते हो, और जहां जहां आपको लगता है कि अटक रहे हो उन पे थोड़ा सा फोकस करके उनको नॉर्मल स्पीड पे आप देख सकते हो। ये दिया हुआ है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force ti plus 3t square j cap where i and j are the unit vectors along x and y axis. The power developed by the above force at time. आप देखो यहां पे पावर डेवलप्ड एट टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट पे t is equal to 2 सेकेंड पे कितना पावर डेवलप होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो ये आपसे पूछा हुआ है, और इसके लिए आपको चाहिए t is equal to 2 पे फोर्स कितना है और t is equal to 2 पे वेलोसिटी कितनी है। अगर मुझे ये दोनों चीजें पता चल जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम v निकालते हैं, m into acceleration लिखा जाता है dv by dt, यही होता है, एंड दिस इज इक्वल टू t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap। तो यहां से v निकाल लूंगा, बिकॉज बिगिंस टू मूव मतलब इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, तो एम डी वी कहां से कहां तक, जीरो से लेके वी तक, इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टू सेकेंड तक, मतलब मैं वेलोसिटी टू सेकेंड पे निकाल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं यहां पर। अगर कुछ वेलोसिटी होता तो मुझे उस टाइम की वेलोसिटी निकालनी होती जब वो दो सेकेंड पे। तो अब हमने यहां से इसको डिफरेंशिएट किया, तो t का जो डिफरेंशिएशन होता है t into dt is t square by 2, यहां से आ गया t square by 2, ये आ गया i cap, यहां से 0 से t ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, ये i cap आ गया प्लस 3t square, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t square का इंटीग्रेशन होता है t cube by 3, तो t cube by 3 j cap ये आ गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा t square by 2 i cap प्लस t cube by 3 तो है नहीं, t cube j cap, ये आ गया वेलोसिटी। फोर्स मुझे पता है, अब पावर क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो मैं यहां लिखूंगा टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप डॉट, जो भी मेरे पास यहां पे कैलकुलेट करके हमने निकाला है, टी स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई और आई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी क्यूब by 2 plus 3t square into, so 3 into t raised to power 5, 2 और 3 add हो जाएगा, और 2 और 1 add हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 रहेगा, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, so इतना power आ जाएगा। अब किस time पे पूछा है, 2 seconds पे पूछा है, तो आप 2 डाल के इसको value निकाल लोगे, तो 2 डालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 by 2 plus 2 into 2, 4, 4 into 4, 16, 16 into 2, 32, 32 into 3 is 96, तो ये 96 आ जाएगा, ये 4 है, ये 100 आ गया, तो पावर इज इक्वल टू 100 वॉट, तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो बच्चों देखो यहां पे जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले पूछा हुआ था इंस्टेंटेनियस पावर, और पावर किसमें दिया हुआ था, और इसमें फोर्स दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। मुझे फोर्स दिया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहला स्टेप इज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर फोर्स दिया हुआ है तो वहां से फोर्स से हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी करेंगे, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डीटी। तो मैं यहां से डीवी बाई डीटी यहां से निकाल लूंगा, एक मिनट, कुछ हमने गलती किया, मास क्या दिया हुआ, 1 केजी, चलो बच गए हम, ठीक है, मास से डिवाइड नहीं किया था मैंने, ठीक है, तो मास 1 केजी दिया हुआ था, उससे केयरफुल रहना। तो यहां एम इंटू ये दिया हुआ था, मैंने सीधा निकाल लिया था वी, सो बेसिकली दिस इज एम इंटू वी। और दूसरा तरीका तो सोचने का यह भी है कि अगर ये दिया हुआ है, अभी हम अगला वाला टॉपिक करेंगे उससे आपको दिख जाएगा कि अगर कभी भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो भी आप पावर निकाल सकते हो, बिकॉज इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो पावर इनटू टाइम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी जस्ट डिराइव करके देखेंगे, थोड़ी देर वेट करो। तो यहां तक ये समझ में आ गया, हमने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी निकालने के बाद हमने यहाँ पे पावर है, फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं डाली बच्चों,
क्योंकि यहाँ पे हमें आई कैप और जे कैप में चाहिए था, इसीलिए मैंने जीरो से टी में निकाला, आई कैप जे कैप में ही रहने दिया, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला, डॉट प्रोडक्ट के बाद हमने वैल्यू डाली। तो ये देखना यहाँ पे अगर आप वैल्यू डाल दोगे, जो कि शायद मेरे हिसाब से वैल्यू डाल भी सकते हो तब भी गलत नहीं होता, बिकॉज वैल्यू डाल दोगे तो यहीं पे वैल्यू आ जाती है, आप उसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट डजंट मैटर, एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। वैल्यू यहां भी डाल लो, आप करके देख लेना एज अ होमवर्क, ठीक है। सो नाउ दिस आर द स्टेप्स। तो मैं बार बार आपको जो बता रहा हूं बच्चों, वो है किस तरीके से स्टेप्स फॉलो करते करते आप गलती नहीं करने के तरफ बढ़ रहे हो। तो जब भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, जल्दीबाजी, कई बार बोलते हैं टीचर्स की शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं यार, बहुत सारा ना शॉर्टकट बता देते हैं, शॉर्टकट इज गुड लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप पिछले एक डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप शॉर्टकट डेवलप कर रहे हो, टीचर का बताया हुआ, खुद का बताया हुआ, इट डजंट मैटर, बट अगर आप डेढ़ साल से उसको डेवलप कर रहे हो देन इट विल एक्चुअली हेल्प यू। लेकिन आप डेवलप नहीं कर रहे हो और आप अचानक से लास्ट के एक दो महीने में शॉर्टकट 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 की तरफ भागोगे तो शॉर्टकट को अप्लाई नहीं कर सकते एग्जाम में, पक्का है, गारंटी नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम यहाँ पे, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जब भी हम पावर की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क से रिलेटेड है तो काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेटेड है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डीके बाई डीटी, ये भी लिखा जा सकता है, बिकॉज पावर इंस्टेंटेनियस, अभी हमने क्या लिखा था, इंस्टेंटेनियस पावर वॉज इक्वल टू डीडब्ल्यू बाई डीटी, वर्क डन बाई टाइम, और वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो मैं इसको डीके बाई डीटी भी लिख सकता हूँ, वर्क डन पावर इंस्टेंटेनियस पावर, एंड देयरफॉर आई कैन से पी इंटू डीटी इज इक्वल टू dk, या फिर हम इनिशियल से फाइनल की बात कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब जब हम पावर का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो विल गेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के साथ अभी हमने किया नहीं है, दिस गिव्स अस मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, उसी तरीके से पावर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर पावर कॉन्स्टेंट है, अगर पावर कॉन्स्टेंट है तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि P into T, अगर पावर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, एंड वी विल राइट डाउन P into T is equal to change in kinetic energy। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कई बार JEE मेन और एडवांस दोनों में ही सवाल आए हुए हैं, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आए हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया, ए पार्टिकल ऑफ मास इतना इन वन डायमेंशन अंडर द फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ये JEE एडवांस में सवाल आया हुआ था, फाइंड द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड्स। ऐसा नहीं कि JEE एडवांस में बहुत डिफिकल्ट सवाल आते हैं, बहुत सारे कुछ लल्लू लल्लू सवाल भी आते हैं जो बिल्कुल ऐसा है लपक के सॉल्व कर लेना चाहिए उन क्वेश्चंस को। तो दिया हुआ है इतना अंडर फोर्स कांस्टेंट पावर दिया हुआ है, तो फाइंड द स्पीड आफ्टर दिस, सो कांस्टेंट पावर का मतलब ये दिया हुआ है आफ्टर 5 सेकंड, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, तो P into T is equal to change in kinetic energy, ये तो हमें पता है, पावर दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी फाइनल होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल होल स्क्वायर। पार्टिकल दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, मतलब ये दिया हुआ है कि भाई ये चीज जो है ये तो जीरो है, तो अगर ये चीज जीरो है तो मेरे पास फाइनल स्पीड निकल जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई मास जो कि 0.2 दिया हुआ है, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये भी आ जाएगा। तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता है कि पावर और काइनेटिक एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड है तो आप आप डायरेक्टली इसमें स्पीड निकाल सकते हो अगर पावर इज कांस्टेंट। तो जैसे ही आप कांस्टेंट पावर सुनोगे आप काइनेटिक एनर्जी को याद करोगे, कांस्टेंट पावर काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट पावर काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल मेरे साथ रट्टा मारना, ठीक है, कांस्टेंट पावर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। चलो नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने क्या किया सारा सीक्वेंस कर दिया। अब ये भी अगेन एक ऐसा सवाल है जो JEE मेन JEE एडवांस हर में पूछा जा चुका है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में पूछा जा चुका है, तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच कैन बी आस्क्ड अगेन इन योर JEE मेन कि भाई एस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाउ यहां पे दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स कितना होगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट पावर P दिया हुआ है, P इंटू टी, ठीक है, सो P इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो मुझे सबसे पहले जैसे ही सुना कांस्टेंट पावर मेरे दिमाग में आया काइनेटिक एनर्जी, चूंकि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल जीरो है तो हमने यहां पे रख दिया, और यहां से हमारे पास क्या चीज आ गई, यहां से हमारे पास स्पीड आ गया, स्पीड इज 2 PT बाई एम अंडर रूट, ये तो आ गया। अब
m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू डाल देते हैं, 2 kg दिया हुआ है, तो m 2 kg, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट इस केस में p into t आ गया। अब v आ गया तो s भी निकाल सकते हैं, तो सेकंड आपसे क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ds by dt, ये होता है स्पीड, एंड देयरफॉर ds जो डिस्प्लेसमेंट होता है 0 से लेके s तक कहीं से कहीं तक इज इक्वल टू v into dt, v into dt, और यहां पे v की वैल्यू डाल देंगे which is equal to under root p जो कि कांस्टेंट है, t half क्योंकि इसकी पावर हाफ है, into dt 0 से लेके t तक, and therefore under root p को बाहर कर दिया मैंने, कांस्टेंट था, तो under root p into, अब ये क्या हो जाएगा, t half ऊपर पावर आधी, एक और ऐड हो गई, half plus 1 ये भी ऐड हो गया, and इसमें आ जाएगा 3 by 2, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 by 3 under root of p into 3 raised to power 3 by 2। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, वो ये पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंडेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट t की किस पावर पे डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है जेई एडवांस में पहले, तो t की पावर 3 by 2 पे डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसा दिया हुआ है कोई केस, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस फॉर्मेट, आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है इन डिफरेंट फॉर्मेट, की पावर जो है या डिस्प्लेसमेंट, अगर पावर कांस्टेंट दिया हुआ है और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है ये बताना है, डिस्प्लेसमेंट टी की 3 रेस टू पावर 2, ये आपको याद भी होना चाहिए ये रिजल्ट, बिकॉज़ दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पूछा हुआ है, 3 तो नीचे है तो गया, 2 दिया हुआ है, टी किस टाइम पे पूछा हुआ है, 4 सेकंड पे, तो 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 * 2 16, अल्फा स्क्वायर पूछा हुआ है 16 के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, अगर अल्फा पूछा होता तो अल्फा होता जो भी यहां पे दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है तो अल्फा 4 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना है 16 है, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये देखो बच्चों, अभी तक जो भी हम कर रहे हैं ना, हम हर चीज में स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स मतलब पूछा हुआ है हमने डाल दिया यहां पे पीटी इज इक्वल टू दिस, फिर जो पूछा हुआ है वो हमने अगले स्टेप में सॉल्व कर लिया, दो स्टेप से ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हमारे पास नहीं मिला है, दो या तीन, मैक्सिमम 3 स्टेप पे हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो दिस इज फंडामेंटल टू फिजिक्स, ये कई बार हम उसको विजुलाइज करने पे लगे रहते हैं, बट विजुलाइज कुछ ही बच्चों को चमकती है चीजें, मैक्सिमम 99% बच्चों को चमकती नहीं है, चाहे कितना भी मैं विजुलाइज कर लो, उस इंस्टेंट पे चमकेगा जब सवाल सॉल्व करने जाओगे तो आपसे नहीं सॉल्व होने वाला, सवाल सॉल्व करने के लिए अगर आप एक दिमाग में मेथड बना लोगे, जो टॉपर बच्चा होता है उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली मेथड बन जाता है, लेकिन हमारे जैसे एवरेज बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेथड्स बनाने पड़ते हैं, और मेथड बनाने का तरीका है कि आप स्टेप बाय सॉल्व करो, रैंडम मत सॉल्व करो, पहला स्टेप जो भी दिया हुआ है, जैसे कांस्टेंट पावर दिखा तो आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, और पहला स्टेप कांस्टेंट पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, और वहां से जो भी आएगा वो लिख लिया। अब सेकंड जो सवाल में पूछा हुआ है, एस पूछा हुआ है, एस निकाल लेंगे, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। अब विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस पे एक दो सवाल एक बार एडवांस में पूछा हुआ है, एक बार मेंस में पूछा हुआ है, एंड ये कॉन्सेप्ट वैसे भी हम आगे जब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तब बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये जान लो कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी, और ये आता यहां से है कि अगर मास चेंज हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू, हमें पता था डीपी बाय डीटी होता है, डीएम बाय ये होता था फोर्स, एंड देयरफॉर यहां से अगर आप देखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मास चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे वी डीएम बाय डीटी प्लस एम डीवी बाय डीटी, एंड जनरली थ्रस्ट फोर्स में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, इसलिए हम वी रिलेटिव की बात करते हैं, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी, और ये वाला जो है हम जीरो मान लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो इतना होता है, और ये कई बार क्वेश्चन कैसा पूछा रहता है कि मान लो एक सैंड जो है किसी कन्वेयर बेल्ट पे गिरा रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेट से डीएम बाय डीटी दिया रहेगा, और कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी उसकी सेम रहनी है तो बताओ कि पावर डिलीवर कितना होगा, तो पावर डिलीवर जो हो जाएगा एफ इंटू वी हो जाएगा, एफ हमें पता है इंटू वी हो जाएगा, एंड देयरफॉर अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहनी है तो सिंपली वी स्क्वायर डीएम बाई डीटी आ जाएगा आंसर, एंड इसी के बेसिस पे जेई मेन में भी एक सवाल पूछा हुआ है, एडवांस में भी एक दो सवाल पूछे गए, एंड विल लुक एट दीज क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले जेई मेन का सवाल है कि सैंड बीइंग ड्रॉप एट अ स्टेशनरी ड्रॉपर एट द रेट ऑफ 0.5 केजी पर सेकेंड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई, एंड बेसिकली जिस वेलोसिटी से हम ड्रॉप कर रहे हैं उसी वेलोसिटी, मतलब जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहनी पड़ेगी,
तो हम निकाल सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स क्या हो गया. थ्रस्ट फोर्स पहला स्टेप इज, जब भी ये दिया हुआ है तो थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी. यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी टी दिया हुआ है 0.5 kg पर सेकेंड एंड देयर फोर दिस इज इक्वल टू, आप देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू 2.5 newton. ये आ जाएगा हमारे पास थ्रस्ट फोर्स. अब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है कन्वेयर बेल्ट, वो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी. एफ है 2.5, वेलोसिटी दिया हुआ है 5 एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 12.5 watt एंड ये आंसर आ जाएगा 12.5 watt. तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ तो आप बिल्कुल लपक के सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड और कुछ कॉन्सेप्ट पूछेंगे नहीं. एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है जेई एडवांस में, होपफुली आपसे नहीं पूछे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. दिया हुआ है कि एक विंड पावर है, जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अज्यूम दैट जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स प्लेट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फाइंड विंड स्पीड द इलेक्ट्रिकल फाइंड फॉर विंड स्पीड वी द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू. मतलब आपको इलेक्ट्रिकल पावर निकालना है किसके प्रोपोर्शनल होगा फॉर अ विंड स्पीड ऑफ वी. ठीक है, अब दिस इज अ गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहां समझते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है. एक विंड पावर जनरेटर है, वो विंड एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो थ्रस्ट है, मतलब जब विंड क्या होता है, विंड हवा का झोंका है, एक फिक्स्ड मास तो नहीं है, मास उसका हमेशा चेंज हो रहा है, तो जिस वॉल्यूम में वो एंटर करेगा ऑलमोस्ट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स जब आपने किया था वैसा कुछ हो जाएगा कि, और नहीं किया तो बाद में करेंगे हम उसको. तो फ्लूइड मैकेनिक्स जैसा हो गया कि एक हवा का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम. तो हमें थ्रस्ट फोर्स सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी दिया हुआ है तो हम फोर्स निकालेंगे या थ्रस्ट निकालेंगे एंड थ्रस्ट इज इक्वल टू वी इनटू डीएम बाय डीटी. ये आ जाएगा. और डीएम क्या होता है, डीएम होता है वी इनटू मास, जो है वो होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू ए इनटू थिकनेस, जैसा हमने बिल्कुल फ्लूइड में किया था वैसे ही, अपॉन डीटी इनटू थिकनेस एक्स. ठीक है, इस रेट से आप अज्यूम करो कि हवा है और वो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसका एंटर कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में विंड एंटर कर रहा है और उसकी कुछ थिकनेस है, ऐसा कुछ एंटर कर रहा है. ठीक है, विंड यहां से एंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर. तो डी रो ए एक्स बाई डी टी एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू रो ए इंटू वी स्क्वायर. और ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में वैसे भी आप स्टडी करोगे बिल्कुल वैसा ही. तो ये आ गया थ्रस्ट फोर्स, रो डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास यहां से आ गया थ्रस्ट फोर्स. आप जनरली डीएम बाई डीटी पढ़ते हो, आप रो ए इनटू वी पढ़ते हो इन कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है, तो थ्रस्ट आ गया. सेकेंड, अब आपसे पावर पूछा है, तो पावर इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स इनटू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी वी दिया हुआ है तो इट विल बी इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर इनटू वी and therefore it will be equal to rho a into v cube. So it will be proportional to v cube. तो हम directly यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें equation भी पूछा जा सकता है, इसमें आपसे directly किसके proportional है ये भी पूछा जा सकता है. तो this again requires the concept of fluid mechanics. तो अगर आपको fluid पता है कि किस rate से हवा enter कर रही है तो thrust force समझ में आएगा तो आप वहां से चीजें solve कर सकते हो. And कई बार इस type के questions मैं और भी करवाऊंगा in our next phase, जहां पे हम केवल प्रॉब्लम सीरीज की बात करेंगे, जहां पे थ्योरी की बात नहीं करेंगे, केवल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे एंड गुड लेवल प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस एज वेल. तो ये चूंकि जेई एडवांस में बहुत पहले पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले पूछा जा चुका है, तो ये आपके जेई मेन में आने की संभावना है. सो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है जेई मेन में जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर सिंगल चॉइस क्वेश्चन एज इज उठ के आ जाते हैं, या सिंपल इंटीजर टाइप को उन्होंने या तो इंटीजर ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया एससीक्यू में, या फिर उन्होंने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया. सो देयरफॉर You need not practice, but we'll actually make you practice those questions. ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हम end करते हैं इस lecture को and see you in my next lecture, which will be on the potential energy and energy graphs, जो कि बहुत interesting होगा. काफी काफी ज्यादा important concepts है वहाँ पे, especially JEE Advanced के लिए. JEE Main में एक या दो सवाल आए हुए हैं potential energy. वैसे तो work energy theorem में सारी चीजें cover कर ली. अगर आप कई बच्चे बोलते हैं कि work done, change in kinetic energy is gain in potential energy,
वो कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो तो फोर्थ लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्टली फोर्थ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई एडवांस पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम. तब तक के लिए सी यू एंड लव यू. बाय बाय, टेक केयर.